हमारे साथ आज हैं सीताराम येचुरी जो सीपीआईएम के जनरल सेक्रेटरी है। इनका नाम दिल्ली में जो दंगे हुए थे उसमें एफआईआर नंबर 50 के चार्जशीट में आया है और वो आज हमसे बात करने वाले हैं दिल्ली के जो दंगे हैं उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में और उनका नाम इस चार्जशीट में कैसे आया वो भी हम इनसे जानेंगे। सर थैंक यू हमसे बात करने के लिए। सबसे पहली चीज सर, जैसे आपने सुना कि आपका नाम एक चार्जशीट में है तो आपका इनिशियल रिएक्शन क्या था सर? आश्चर्य, ये इन्वेस्टिगेशन किस पे हो रहा है? अगर हिंसा पे, सांप्रदायिक हिंसा जो हुई दिल्ली में उसके ऊपर ये जांच चल रही है तो हमें कैसे उसके अंदर, हमारा नाम कैसे आया? अब इसमें आश्चर्य इसलिए लगता है कि हिंसा के लिए जो जो भी हिंसा के अंदर जो घटनाएं हुई, जो मौतें हुई, उनके बारे में करिए जांच पहले। जो जहरीले भाषण दिए गए, नफरत फैलाने वाले, जिसके चलते हुए वो भड़काऊ, जिसका जो जो इस तरीके की हिंसा को प्रोत्साहन दिया, उस पे करिए जांच, ना कि आप इस जो इसको जोड़ने पे लगे हुए हैं। अब उसको जोड़े हुए जा रहे हैं तो उससे बिल्कुल आश्चर्य लगा कि ये मतलब गलती नहीं है लेकिन एक षड्यंत्र का हिस्सा है। राइट सर। सर ये जो सरकार कर रही है ऐसा, जैसे जिसको आप षड्यंत्र बुला रहे हैं, आपको क्यों लगता है कि सरकार ये कर रही है और उनको क्या मिलेगा सर इससे? देखिए, सीएए का विरोध बहुत व्यापक तरीके से पूरे देश में फैल गया था और सीएए का मतलब यही था कि ये हमारे संविधान का एक भारी उल्लंघन है और उसके लिए सरकार के लिए अब खतरा ये है कि अगर इस ये जो कानून जो लाए वो सीएए का, उसके सुप्रीम कोर्ट के पास पड़े हुए हैं वो एक साल से ज्यादा लंबे समय से, उसके ऊपर याचिका है, मतलब उसके ऊपर पिटीशन, जब उसकी सुनवाई होगी वो होगी, पता नहीं कब होगी, लेकिन जो भी है हालत, लेकिन अब उसको सही बनाना है तो ये सीएए के विरोध के प्रत्यक्ष को उसको बदनाम करनी है। अगर बदनाम करना है तो उनको इस हिंसा के साथ जोड़े और ये काम, ये एक बात गृह मंत्री महोदय ने पार्लियामेंट के अंदर स्पष्ट रूप से उन्होंने इसका खुलासा भी कर चुके थे। आपने गृह मंत्री जी की बात की, ऐसा क्या है इस इन्वेस्टिगेशन में? आपने बीजेपी और केंद्रीय सरकार के खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्गली आवाज उठाई थी। ये सीधा कहती है कि केंद्र सरकार ही तो चाह रही है कि ये इन्वेस्टिगेशन ये मोड़ लें कि एनटीसीआईए के साथ जोड़कर एनटीसीआईए के प्रदर्शनों को वो बताए कि ये है कारण इस हिंसा की और ये है, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये षड्यंत्र है, इसको कैसे जोड़ रहे हैं आप? राइट सर। सर आपका नाम गुलफिशा फातिमा जो एक एनटीसीए प्रोटेस्टर है और सीलमपुर में काफी एक्टिव थी उस एरिया में, उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में लिया गया है, तो आप सबसे पहले हमको बताइए कि ये मतलब ऐसा क्या हुआ कि फाइनली आपका नाम इनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में आया है सर? ये उन्हीं से पूछिए आप, हमें भी पता नहीं। हम गए सभी साइट्स पे दिल्ली में, इसके अंदर कोई दौरा नहीं है ना, मैं इसे मतलब छुपाने की कोई कोशिश कर रहा हूँ। गुलफिशा फातिमा की जरूर मिला होगा, मैं इसे इनकार भी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो अलग बात है, हमारी रास्ता है, जानकारी है या नहीं है, वो सब अलग बात। अब किन परिस्थितियों में इस तरीके के बयान उन्होंने दिया, क्या नहीं दिया, इसका खुलासा वो ही कर सकेंगे, क्योंकि कई सारे आरोप प्रत्यारोप आ रहे हैं कि वो सच में उन्होंने किया या किसने किया, कौन सी दबाव में किया, क्या नहीं, इसके बारे में पूरा चर्चा तो हो ही रहा, तो अब इसके बारे में जवाब वही दे पाएंगे। बोला गया है उनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कि उकसाने की कोशिश करी थी लोगों को, उनको एक तरीके से इकट्ठा करने की कोशिश करी थी सीए के अगेंस्ट। क्या आपको लगता है कि किसी को मोबिलाइज करना, लोगों को इकट्ठा करना सीए के अगेंस्ट, वो एक 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 क्राइम है सर? बिल्कुल नहीं, उल्टा ये हमारी जनवादी अधिकार है। हम लोगों को लामबंद करें और उसको बताएं, इसको अगर आप कहोगे उत्साह करना या जो भी करना, हम लोगों को बताना उनको लामबंद करके कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, जो हो रहा है वो हमारे देश के हित में नहीं, हमारे संविधान का उल्लंघन है। ये जो है ना सिर्फ हमारी अधिकार है, ये हम समझते हैं, ये हमारी दायित्व भी है, हमारी जिम्मेदारी है। तो जैसे आपने बोला ये आपकी जिम्मेदारी है, तो आप हमें अगर बता सकिए कि आपका इन्वॉल्वमेंट एंटी सीए प्रोटेस्ट में कितना रहा है सर? दिल्ली में जहां जहां प्रोटेस्ट हो रहे थे सब जगह गया मैं, एक बार
और प्रोटेस्ट में जाकर हमारी बात हमारी राय रखी। असम में गया, एक बहुत बड़ी बारी जनसभा हुई और वहां पर जितने लोगों को जो है इस एनआरसी से, असम के एनआरसी से अलग कर दिया था, तकरीबन 20 लाख लोग, अब इन लोगों को नागरिकता से इसे ही वंचित कर दिया। ये बहुत उज्जवल समस्या है वहां पे इस और आज भी वहां पर आप देखेंगे, आज की इन हालतों में कोविड के चलते हुए, महामारी के चलते हुए, ये रिस्ट्रिक्शन के बावजूद आज देख रहे हैं आप वहां पे जिस तरीके के विरोध हो रहे। तो हमने उस समय इसके खिलाफ पूरे देश भर में हमने इसके खिलाफ जलसे किए हैं। सभी आपको लगता है क्या इसकी वजह से आपको टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल, उनका यही है, उनका मकसद है कि इस संवैधानिक व्यवस्था के जगह वो अपनी एक कट्टरपंथी, एक फासीवादी हिंदुत्व राष्ट्र या जो भी है, जो आरएसएस का रुझान है, उसको ले आना की उनकी पूरी की पूरी कोशिश है। अगर वो उसको कामयाब होना है तो इस संवैधानिक व्यवस्था को ध्वस्त करना है। आपको क्या लगता है कि आपका नाम और चार्जशीट में आने की गुंजाइश होगी या आपको अरेस्ट किया जाएगा? क्या आप सोच रहे हैं कि लीगली आप कुछ करें इस मोड़ पर? देखिए, आजकल दिल्ली पुलिस के बारे में सोचना कि क्या करेगी आगे बहुत ही असंभव है, और ना सिर्फ पुलिस को भी पता है, वो आदेश आएंगे गृह मंत्रालय से। तो अब जो है इसके बारे में इसको कोई चर्चा ना करे तो बेहतर।